विल यू अलाउ मी टू मिक्स बोथ द वर्ड्स? आई एम इंडियन मुस्लिम, हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ मैं. पहले तो हिंदुस्तान आया. हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ. पहले तो हिंदुस्तानी आया मतलब. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. जो कुछ आजकल इस मुल्क में होता है, अरबाब इख्तियार समझते हैं कि ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं और शायद लोग इसको नोटिस नहीं करते होंगे, मगर ये इनकी भूल है. ये एक इंडियन मुस्लिम है जो कि कश्मीर में रहते हैं. इसके पाकिस्तान के हवाले से क्या ख्याल है? आप ये गुफ्तगु जरा मुलाहिज़ा कीजिए. आपको भारतीय कहते हैं कि पहले आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं. Will you allow me to mix both the words? I'm Indian Muslim. हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ मैं. पहले तो हिंदुस्तान आया. हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ. पहले तो हिंदुस्तानी आया मतलब. आपने भारत आया. स्टैंड किया. मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ. थिंक आई एम गोइंग सम इन सम फॉरेन कंट्री. मैं कनाडा जाता हूँ तो मेरा मैं थोड़ी ना मुसलमान से कुछ और चेंज हो जाऊंगा. आई एम स्टिल ए मुस्लिम ना. मैं कहाँ वहाँ पर भी मुसलमान हूँ ना, तो मैं इंडियन मुस्लिम हूँ. हिंदुस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ. एंड आई एम प्राउड. मुझे फक्र है मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हूँ. अगर मैं पाकिस्तानी मुसलमान होता तो मुझे 1,250 रुपए का आटे का बैग मिलता जो मेरे अंदर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता. अगर मैं पाकिस्तानी मुसलमान होता तो शायद मुझे 250 रुपए का मिले का केजी लेना. यहाँ मुझे इंडिया में 40 रुपए का मिल रहा है. अगर मैं वहाँ का होता तो शायद मैं भी जहाँ प्राइम मिनिस्टर को सलाखों के पीछे धकेल दे. इमरान खान वॉज द PM ऑफ दैट कंट्री हैज बीन पुट बिहाइंड द बार्स ना. जिस कौम का ऐसा सत्यानाश हुआ हो वहाँ एक कॉमन इंसान की क्या आइडेंटिटी होगी, उसका क्या कॉमन प्रोटेक्शन है? सो आई एज अ कॉमन कश्मीरी डोंट वॉन्ट पाकिस्तान. इवन आई डोंट वॉन्ट टू टेक द नेम ऑफ दैट वेरी नेशन. गुफ्तगू आपने सुन ली. ये शख्स कह रहा है कि मैं तो मुसलमान यहाँ पर भी हूँ, पाकिस्तान में भी मुसलमान हूँ, अगर मैं कनाडा जाऊँ मैं तब भी मुसलमान रहूँगा. लेकिन उसने कहा कि मैं पाकिस्तान का नाम अपने साथ जोड़ना तक नहीं चाहता. जिस मुल्क में आटा इतना महंगा हो, ये शख्स बता रहे हैं कि 1,250 की है, लेकिन इसको शायद असल कीमत मालूम नहीं है जहाँ पर 2,800 या 2,900 का तेल आजकल बिक रहा है. और दूसरी तरफ ये कहता है कि जिस मुल्क में इमरान खान जैसा वज़ीर आज़म जेल की सलाखों के पीछे, उसमें हम जैसे मुसलमानों की क्या आइडेंटिटी होगी, क्या शनाख्त होगी, या आम किसी दूसरे आदमी की क्या हैसियत होगी. और ये बात ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि इस मुल्क में एक आम शहरी जब महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए निकलता है तो वो एक मुजरिम बन जाता है. उसके ऊपर गोलियां भी फायर होती है, उसके ऊपर लाठी चार्ज होता है, पकड़ कर उसके खिलाफ मुकदमे चलाए जाते हैं, जैसे कि आपने कुछ दिन पहले मालाकंड में देखा. तो ये हमारे अरबाब इख्तियार के लिए लम्हा फिक्र यह है कि एक ज़माना ऐसा था कि कश्मीर के मुसलमान या भारत के मुसलमानों को अगर आप कहते कि आप पाकिस्तान का नाम अपने साथ जोड़ना पसंद करेंगे, आप पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे, तो वो बड़े फ़ख्र और ख़ुशी से कहते कि जी बिल्कुल हम पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे, मगर आजकल वो पाकिस्तान का नाम अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते हैं. अब ये अरबाब इख्तियार के लिए लम्हा फिक्र है जो बंद कमरों में बैठे इस मुल्क के तकदीर के फैसले करते हैं और मीडिया पर बताते हैं कि सब कुछ इस मुल्क में ठीक चल रहा है, मगर सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है. इस हवाले से आप भी अपनी राय दीजिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखें.